Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says equal masses of air are sealed in two vessels, one of volume V naught and the other of volume 2 V naught. If the first vessel is maintained at a temperature 300 Kelvin and the other at 600 Kelvin, find the ratio of the pressures in the two vessels. Okay, so आप देखो हमारे पास दो vessels हैं, something like this. इसका volume V naught है and इसका volume 2 V naught है. नाउ इक्वल मास ऑफ एयर हम पुट करते हैं. सो लेट्स से दोनों में एम ग्राम, स्मॉल एम ग्राम एयर हम पुट करते हैं. एंड जो एयर हम पुट करते हैं उसका जो मोलर मास है दैट इज़ कैपिटल एम. देन जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे दैट विल बी सिंपली स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम. राइट, स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ द गैस. एंड कैपिटल एम क्या है? मोलर मास ऑफ द गैस. सो दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ मोल्स. सो यू कैन सी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं दोनों वेसल में वो सेम है. सो लेट्स से स्मॉल एन, राइट, स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स हम दोनों वेसल में पुट करते हैं. एंड जो फर्स्ट वेसल है उसका टेम्परेचर है 300 केल्विन एंड सेकेंड वाले का कितना है 600 केल्विन. एंड हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है. सो यू कैन यूज़ दिस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. सो यहाँ से जो एन आर टी, सो जो प्रेशर आएगा दैट विल बी एन आर टी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. नाउ यहाँ पे फर्स्ट वेसल के लिए फाइंड आउट करते हैं एंड सेकेंड वेसल के लिए. सो फर्स्ट वेसल के लिए पी वन दैट विल बी एन, आर तो कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर कितना है 300 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है वी नॉट. पी टू दैट इज़ द प्रेशर ऑफ एयर इन सेकेंड वेसल, एन नंबर ऑफ मोल्स सेम है, आर इंटू टेम्परेचर कितना है 600 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 2 वी नॉट. सो आप देखो ये 2 से ये 300 हो जाएगा एंड जो प्रेशर है पी वन इज इक्वल टू पी टू आ गया. राइट, दैट इज एन आर 300 डिवाइडेड बाय वी नॉट, एन आर 300 डिवाइडेड बाय वी नॉट. सो पी वन इज इक्वल टू पी टू, इट मीन्स जो प्रेशर का रेशियो है दैट विल बी 1:1, जो रेशियो आएगा प्रेशर का दैट विल बी 1:1. सो आई थिंक यू गॉट द आइडिया. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन. कीप वर्किंग एट, बेस्ट ऑफ लक, बाय.